हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी ट्रेडर राम। दोस्तों, निफ्टी ट्रेडर राम में आपका स्वागत है। तो आज से 2024 का जो निफ्टी का था वो फर्स्ट एक्सपायरी था। हमने बात किया था यहाँ पे कि मार्केट में जो शॉर्ट कवरिंग पॉइंट है वो 21,600 21,700 है। मार्केट क्या अपसाइड ही रहने के चांसेस थे, और वहाँ पे क्या है, मार्केट ऊपर ही खुला। 70 to 80 पॉइंट मार्केट ऊपर खुला, इवन कहीं 90 पॉइंट और ऊपर ही गया। इसके बाद पूरे मार्केट एक रेंज में कंसोलिडेट हुआ। यानी हर एक्सपायरी है ना, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक ही तरफ हुआ, जबकि वहाँ पे डिफरेंट तरह के होते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे देखिए मैसेज किया कि आज ओनली एंड ओनली फॉर सेलर्स के लिए है, बायर के लिए वहाँ पे कोई जो है वो मार्केट नहीं है। तो आपको मार्केट को पहचानने आना चाहिए कि मार्केट बायर्स के लिए है या सेलर्स के लिए है। अगर आप बायर हैं तो आपको कब बाई करना है, ये सब सब कुछ आपको पता होना चाहिए। सेलर हैं तो आपको कब इसका प्रॉफिटेबल लेना है, कब इसको अपने एनालिसिस में भुनाना है। तो ओवरऑल डेटा ये सब कुछ दोस्तों पता चल जाता है अगर आपके पास सिस्टम हो। एक अच्छा अगर सिस्टम हो तो आपके पास ये सब कुछ पता चल सकता है। और सिस्टम मैं आपको क्रिएट करके देता हूँ, बताता हूँ कि कैसे आपको ट्रेड करना है लाइव में, तो आप वहाँ पे सिस्टम के साथ जुड़ सकते हैं। अब चलिए हम बात कर लेते हैं थोड़ा डेटा के आधार पर कि कल क्या मार्केट में होगा, क्या रहने के चांसेस है, बुलिश रहेगा या बेरिश रहेगा। क्लोजिंग देखें 21,655 के ऊपर, 68 58 के, फ्यूचर की 21,739 के ऊपर क्लोजिंग है। अगर आप देखें फ्यूचर में तो रिटेल ट्रेडर थोड़े लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन बनाए हैं, लेकिन नेट बेसिस पे ये शॉर्ट है। डीआई भी यहाँ पे शॉर्ट है, एफआईआई अकेले यहाँ पे बुलिश है, प्रो यहाँ पे भी शॉर्ट करके बैठा हुआ है। तो फ्यूचर का डेटा यहाँ पे एफआईआई का बुलिश है, बाकी तीनों प्लेयर का बेरिश है। अब यहाँ पे स्टॉक्स फ्यूचर का देखा जाए तो रिटेल ट्रेडर यहाँ पे लॉन्ग है, यानी वो बुलिश है। डीआईआई यहाँ पे बेरिश है, एफआईआई यहाँ पे बुलिश है और प्रो बुलिश है। यानी स्टॉक्स और इंडेक्स दोनों में इनका अलग अलग पोजीशन है। बाकी आपको यहाँ पे जो इंडेक्स होता है वो आपको ये मंथली एक्सपायरी होता है, तो इसका भी वो आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं ऑप्शंस में। तो ऑप्शन में दो चीज़ें होती हैं, आप देखें, एक कॉल और पुट, और कॉल पुट में भी दो चीज़ें होता है, एक बाई और सेल। तो दोनों साइड में थोड़ा सा हम यहाँ पे आज डिटेल में देखेंगे कि कितनी बाइंग कितनी सेलिंग किधर के तरफ है। तो रिटेल ट्रेडर जो है हमारे ये मार्केट में, इनको हमेशा लॉस होता है। किस वजह से, ये इन्होंने क्या किया, आज 13,66,000 इन्होंने कॉल की बाइंग क्लोज की, 11,71,000 इन्होंने कॉल की सेलिंग क्लोज की। बाइंग उन्होंने ज़्यादा आज क्लोज किया, नेट बेसिस पे 20,85,000 अभी इनके पास बाई पड़ा है, 31,91,000 सेल पड़ा है। सेलिंग की ज़्यादा क्वांटिटी कितनी है, 3,06,000 क्वांटिटी ज़्यादा है। इन्हें यहाँ पे देखें 60% सिर्फ बाई और 67% सेल, यानी अगर 7% क्या है, ज़्यादा सेलिंग किया है ये। सेल मीन्स ये यहाँ पे बियरिस है कॉल साइड में। पुट साइड की डेटा यहाँ पे देखें तो पुट साइड इनके पास लगभग 3,55,000 उन्होंने आज बाइंग किया, 1,20,000 सेल किया, यानी 2,35,000 आज उन्होंने फ्रेश बाई किया। फ्रेश बाई किया क्या, पुट। अब पुट उन्होंने बाई किया तो जो उनके पास नेट बेसिस पे सेल की क्वांटिटी थी वो क्लोज होकर 185,000 आ गया। तो आज उन्होंने क्या है, यहाँ पे हम जो फ्रेश पोजीशन बना है उसको ले लेंगे, यानी पुट उन्होंने क्या किया, यहाँ पे बाई किया गया है। तो ये इनका एक बियरिश इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पे कॉल में भी वो सेल करके गए हैं और पुट में वो बाई करके गए हैं, जो एक बेयरिश सेंटीमेंट दे रहा है रिटेल ट्रेडर का। अब यहाँ अगर देखें सेलिंग का, 59% उनके पास बाइंग है, 62% सेल है, यानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं, 2% का डिफरेंस है, जबकि यहाँ पे 7% का डिफरेंस है, यानी यहाँ 5% ज़्यादा कॉल में सेल करके वो बैठे हुए हैं। ये भी एक आपको एनालिसिस करने का तरीका है बेयरिश पोजीशन का कि यहाँ पे बेयरिश है या बुलिश है। अब हम बात कर लेते हैं एफआईआई का कि एफआईआई का क्या सॉरी पोजिशन कैरी कर रहे हैं। एफआईआई ने आज 3,89,000 पोजिशन क्लोज कर दी कॉल बाइंग की, 3,69,000 कॉल सेलिंग की भी पोजीशन क्लोज की। तो नेट बेसिस पर बहुत ज़्यादा चेंजमेंट नहीं आया उनका, 285 से 265 अभी पोजीशन उनके पास बाई में पड़ा है, वो नेट बेसिस पे बायर हैं। तो कितनी इनके पास, 7,29,000 बाई, 4,63,000 सेलिंग, 15% बाइंग, 9.7% सेलिंग, यानी 10% मान ले तो लगभग 5% क्या है यहाँ पे, ये बाई में बैठे हुए हैं कॉल साइड। पुट साइड इनके पास क्या पोजीशन है, पुट साइड यहाँ पे आप देखें तो
तो आज उन्होंने पुट की बाइंग क्लोज की, सेलिंग भी थोड़ी सी क्लोज की। 8,31,000 बाइंग पड़ा है, 6,53% सेलिंग पड़ा है, 14.6, 11.4। तो आप नेट बेसिस पे अगर बाइंग देखें तो बाइंग इनके पास ऑलमोस्ट दोनों इक्वल है, ये 15% और ये 14% दोनों, लेकिन सेलिंग यहाँ पे इनकी 11% और 9%, यानी ये पुट के सेलिंग कितने हैं लगभग ज़्यादा है, 2% 3%। तो ये यहाँ पे इनकी बुलिश पोजीशन खड़ी है हमारे जो है FII की, क्योंकि सेलिंग में ज़्यादा पैसा लगता है रिस्पेक्ट टू बाइंग। तो बिग प्लेयर यहाँ पे जो है वो सेल करके जा रहे हैं पुट को। अब प्रो के पास क्या है, प्रो ये क्या पोजीशन कैरी कर रहा है? तो प्रो ने आज इनके पास देखिए, कल जो था वो थोड़े से कॉल के सेलिंग करके बैठे हुए थे, आज उन्होंने लगभग यहाँ 1,06,000 बाइंग क्लोज किया, 3,22,000 सेलिंग पूरा क्लोज कर दिया, पूरा उन्होंने लगभग मैक्सिमम क्लोज कर दिया। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे लगभग इक्वल इनकी पोजीशन हो गई, 11,39,000, 10,98,000, यानी 40,000 ही इनके पास जो है वो बाई में आ गए। अगर ये बाई में आ गए दैट मीन्स वो थोड़ी सी बुलिश पोजीशन इनकी कैरी हो रही है हमारे किसके, री प्रोप के। अब यहाँ पे उन्होंने पुट साइड क्या किया कि आज पुट की बाई 1,17,000, पुट की सेलिंग 2,30,000 ज़्यादा, तो 1,15,000 ज़्यादा हो गया, ये बाइंग क्लोज करके यहाँ पे 55,000 सेलिंग में आ गए। यहाँ 24% बाई, यहाँ 15% 25% सेल। तो नेट बेसिस पे आप देखें तो ये पुट के सेलिंग कितनी ज़्यादा है, लगभग 2% और बाइंग लगभग दोनों इक्वल है। तो सेलिंग में ज़्यादा पैसा लगता है, इसलिए मार्केट को नीचे ये नहीं आने देंगे। यानी अगर आप समरी के तौर पे देखें तो हमारे रिटेल ट्रेडर यहाँ पे बेयरिश, FII एंड प्रो दोनों यहाँ पे बुलिश पोजीशन कैरी कर रहे हैं ऑप्शंस में भी। अब ये कौन से स्ट्राइक प्राइस पे कहाँ पे राइड कर रहे हैं, क्या यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकता है मार्केट का बेस्ड ऑन द डेटा। नेक्स्ट एक्सपायरी 11th की है, यहाँ पे सपोर्ट 21,571 का है, रेजिस्टेंस 21,721 का है, 21,671 यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट है, 658 के पास मार्केट क्लोजिंग दिया, थोड़ा सा ऊपर है यहाँ पे, तो 22,500 टच करने की प्रोबेबिलिटी बहुत नहीं ज़्यादा है। यहाँ पे अभी प्रोबेबिलिटी हमें मिसमैच थोड़ा हो रहा है, प्रोबेबिलिटी इंडिकेट नहीं कर रहा है कि कौन से ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे पुट के राइटर देखें ITM में, ATM में एंड OTM में यहाँ पे ज़्यादा बैठे हुए हैं, 70% पूरे ओवरऑल। बायर भी थोड़े पुट के हैं लेकिन राइटर ज़्यादा, हमें वेटेज देना है क्योंकि वहाँ पर राइटर का ज़्यादा पैसा लगा हुआ है। फर्स्ट पेन 21,700, सेकेंड 21,650 और थर्ड 21,600। तो फर्स्ट पेन यहाँ पर ऊपर है, दैट मीन्स निफ्टी बुलिश है। बैंक निफ्टी 48,142 का यहाँ पे सपोर्ट, रेजिस्टेंस 48,358, न्यूट्रल पॉइंट 48,250 का, क्लोजिंग 48,159, यानी थोड़ा सपोर्ट के पास ही क्लोजिंग दे रहा है। तो अपसाइड के ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पे, अपसाइड जा सकता है, और राइटर ये पुट में बैठा हुआ है 75%, और बायर यहाँ पे कॉल में बैठा हुआ है, यानी बैंक निफ्टी स्टोन बुलिश के तरफ इंडिकेशन दे रहा है। फिन निफ्टी जो अभी आपको एक्सपायरी होना है 9th को, इसके सपोर्ट 21,475 का, रेजिस्टेंस 21,68 का और न्यूट्रल पॉइंट 21,542 का। मार्केट थोड़ा सा नीचे क्लोज है तो ये ऊपर इंडिकेशन दे रहा है। राइटर यहाँ पर भी देखें दोस्तों पुट में बैठा हुआ है 64% और बायर कॉल में। फिन निफ्टी भी यहाँ पर बुलिश इंडिकेशन दे रहा है, और मिड कैप निफ्टी तो आज जबरदस्त कमाल किया, अपनी जो 10,400 के लेवल है उसको ब्रेक करके जबरदस्त ऊपर अपसाइड दिया, उसको भी हम बात करेंगे अभी। तो यहाँ आप देखें 10,544 का यहाँ पे सपोर्ट, रेजिस्टेंस 10,640 का, न्यूट्रल पॉइंट 10,592 का। मार्केट लगभग थोड़े से नीचे है तो अपसाइड रहेगा। राइटर यहाँ पे जो है वो पुट में और बायर कॉल में 94%, तो जबरदस्त हमारा यहाँ पे मिड कैप निफ्टी बुलिश है। अब इसको अगर आप प्राइज एक्शन के ऊपर देखते हैं, FII भी यहाँ पे कैश में बाई करके गया, और मैंने बात किया था कि जब तक FII कैश में नहीं सेल करते हैं तब तक आप मार्केट को बेयरिश मत समझिए कि मार्केट बेयरिश हो गया, क्योंकि वो जबरदस्त बाई करके गए हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने दिसंबर मंथ में बाई किया, बहुत ज़्यादा हैवी जो है वो उन्होंने अमाउंट इन्वेस्ट किया। अगर आप देखें तो आज निफ्टी का एक्सपायरी था इसलिए निफ्टी नहीं चला, बाकी तीनों इंडाइसेज चले हैं। ओवरऑल एक बार निफ्टी 21,800 टच
करने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा है, रख रहा है 21,800। एक बार 21,800 के ऊपर निकलेगा तो यहाँ और ये आपको रॉकेट बन जाएगा, 22,200 का लेवल हो जाएगा ऊपर साइड में। वेट करिए एक बार 21,800 के लेवल को टच करने का, तो आप यहाँ पे बुलिश रह सकते हैं निफ्टी में भी। और बैंक निफ्टी जो हमने बताया कि 48,000 जो है ये इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। कल हमारा जो लेवल था 47,500 के लेवल को टच करके ऊपर आया, बात हम किए थे कि 47,500 एक बार टच कर सकता है। ये आपको क्या है, रिट्रेसमेंट है। अगर आप यहाँ पे दोस्तों ये लाइन डालेंगे तो ये एक रिट्रेसमेंट है, ना कि यहाँ पे ये बेरिश पैटर्न है, एक रिट्रेसमेंट है। ये आपको यहाँ पे फ्लैग पैटर्न बन रहा है। अगर आप पैटर्न को भी पढ़ते होंगे, अगर आप पैटर्न को भी पढ़ें तो यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न बन रहा था। और ये जो पैटर्न होता है वो क्या है, ये अगर ऐसा है तो रिट्रेसमेंट का। बेरिश का पैटर्न ऐसे होता है दोस्तों, ये फ्लैग पैटर्न बेरिश का, फिर यहाँ से मार्केट गिरता है। तो ओवरऑल अगर आप प्राइस एक्शन भी जानते होंगे तो आपको ये पता होगा कि ये रिट्रेसमेंट का है और ये कैंडल कन्फर्म कर दिया। तो हमने बात किया था कि कल बुलिश ही रहेगा मार्केट, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग पॉइंट हमारा ऊपर था, तो अभी भी मार्केट यहाँ पे बुलिश के तरफ इंडिकेशन कर रहा है। अब मिड कैप निफ्टी और फिन निफ्टी की देखें, फिन निफ्टी भी एक अच्छा पोजिशन यहाँ पे जो हमारा 21,400 के लेवल ऊपर चला है, तो एक बार हमारा 21,600 का टारगेट यहाँ से हो सकता है, ऊपर फिर 21,800 का टारगेट हो जाएगा। अभी हमारा 21,400 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और हमारा मिड कैप निफ्टी का जबरदस्त 10,640 के लेवल को जैसे ब्रेक किया ऊपर का, ये रॉकेट बन गया। नेक्स्ट का टारगेट 10,641 का होगा ऊपर में। मिड कैप निफ्टी ऑलरेडी यहाँ पे बुलिश पोजीशन कैरी कर रहा है। तो आई होप कि आपको एक शॉर्ट में पूरे डेटा की बात की जा रही है, 360 डिग्री एनालिसिस। दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिए। आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिए। डिस्क्लेमर है कि वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के आधार बनाया गया, इसके आधार पर बाय से लिए होल्ड का ऑप्शन क्लिक ना कीजिए, अपने फाइनेंशियल वैसे जरूर सुनाइए। दोस्तों हो सकता है कि कोई बात दो बार या तीन बार मैं दोहरा चुका हूं, क्योंकि मैं वीडियो एडिट नहीं करता हूं, तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। प्लीज़ थोड़ा सा कंसीडर करिए। दोस्तों डिस्क्लेमर है, वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के आधार बनाया गया। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।